Good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So today I am here with the third video of the chapter Periodic Classification of Elements. Okay, so in the previous two videos what we have studied about the periodic table. ठीक है, periodic table के बारे में हमने पढ़ा था, हमने कि what is periodic table and in which we have studied about the three kind of periodic table classification के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था. And one more thing we have studied about the groups and periods. 18 groups were there and 7 periods were there. And we studied detailed study about the groups and periods. 18 groups के बारे में हमने individually पढ़ा था कि what were groups and उनका क्या-क्या नाम है ना. Now today we will study about periodicity or periodic properties of element. Today we will study about periodic properties. The properties of elements which are directly or indirectly related to their electronic configuration. Now one thing is coming, what do you mean by electronic configuration? Basically electronic configuration is the arrangement of electron in an atom. किसी भी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उनका अरेंजमेंट किससे कैसे होता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो आई थिंक, है ना. सो दिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म है दैट इज बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रॉनिक नंबर, हमने उसका कॉन्सेप्ट माना था. Now periodic properties of elements is directly or indirectly related to the their electronic configuration. And one more thing, and it shows a regular gradation as we move across a period from left to right. Periodic table आपने देखी, tabular form है ना, groups, vertical columns and horizontal columns for periods है ना. When you move from left to right है ना, there are certain gradation. रेगुलर ग्रेडेशन होते जाते हैं आर वी मूव अक्रॉस अ पीरियड और अ ग्रुप, करेक्ट. ठीक है, एंड व्हाट आर द ग्रेडेशन या वो प्रॉपर्टीज क्या है दैट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. ठीक है, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज और वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस ऑल्सो, उसको हम और एक चीज नाम से जान सकते हैं, एटॉमिक रेडियस. नाउ द थिंग इज कमिंग, सर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दिस. सो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को हम इस तरीके समझ सकते हैं. सपोज दैट कि मैंने कोई एक एटम लिया, एनी एटम, इफ आई एम टेकिंग सपोज दैट सोडियम, जनरली आई यूज टुडे सोडियम. इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होगा 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड 11 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट. So, आपका इसका कंफिगरेशन होगा 281, है ना. इफ यू डिजाइन स्ट्रक्चर इन द फर्स्ट शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टू. इन सेकेंड शेल 1 2 3 4 5 6 7 and 8 एंड द लास्ट एंड शेल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. ठीक है, तो फ्रॉम द सेंट्रल कोर ऑफ द रेड ऑफ द न्यूक्लियस, अगर हम एटम को हम एक स्फेरिकल शेप में अगर हम देखें तो फ्रॉम द सेंट्रल कोर टू द वैलेंस शेल, दैट मींस लास्ट शेल ऑफ एन एटम. लास्ट शेल मतलब आपका ये दिस वन, दिस शेल, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या है फिर समझिएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल कोर ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो डिस्टेंस वहां से टू द वैलेंस शेल, जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल तक. अब अगर आपने इसको देखा, अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज दैट कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में दिस इज न्यूक्लियस, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, है ना. तो फ्रॉम हियर टू द लास्ट, यहां पे अगर आपका हाइड्रोजन है, सो दिस इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस हाइड्रोजन. ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एटॉमिक साइज क्या होता है. सो एटॉमिक साइज बेसिकली एटॉमिक रेडियस क्या होगा, फ्रॉम सेंट्रल कोर टू द
जो उसकी वेलोसिटी है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस. सो इसमें क्या इंपैक्ट आता है, क्या डिफरेंस आता है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यू कैन से जब भी आप पीरियोडिक मूवमेंट कर रहे हो फ्रॉम इन अ पीरियड, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन यू आर मूविंग, तो व्हाट चेंजेस यू आर सीइंग. बेसिकली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती जाती है. ठीक, अब नाउ द थिंग इज कमिंग, सर ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों कर रही है. अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं. अगर हम टेबुलर फॉर्म के फॉर्म में जाएं तो आई एम टेकिंग द सेकंड पीरियड. ओके, सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. ठीक है, राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. These are the elements which are present in the second period. ठीक है, these are the elements which are present in the second period. When you are moving from lithium to neon, neon को छोड़ दीजिएगा, अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना. When you are moving from lithium to fluorine, then what change you observe in atomic size or atomic radius, it will decrease. जैसे आप लिथियम से बेरिलियम के कंपैरिजन में जाओगे तो लिथियम का साइज जो भी होगा, बेरिलियम का साइज से क्या होता है, छोटा होगा. अगेन बोरॉन विल आल्सो लेस, कार्बन उससे छोटा, नाइट्रोजन उससे छोटा, एज इट इज. ठीक है, तो ये साइजेस क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. ये क्यों हो रही है, व्हाई इज हैपनिंग, एटॉमिक साइजेस आर डिक्रीजिंग. इसके दो रीजन है बेटा. ठीक है, इसके पीछे आपका क्या एक रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको समझिएगा कि जब जब जैसे जैसे आप व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं. एज वेल प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कैसे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली तो सेट है, या सेटल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर. तो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ टैबलेट फॉर्म या फिर इन अ पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज हैपनिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग. तो एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजिंग, द न्यूक्लियर पुल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. जो पॉजिटिव चार्ज है जब वो बढ़ता चला जा रहा है न्यूक्लियस में, इन सेंट्रल कोर में जो पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ता चला जा रहा है, तो जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. The attraction force between the nucleus and the valence electrons, वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. और as well as the pull will increase, उनके बीच में जो contraction है that will also increase. जितना ज्यादा contraction होगा they will become contracted, और उसकी वजह से the size will started decreasing. As the number of proton and electron increases, they will be contract, है ना, और कॉन्ट्रैक्ट होते हुए उनका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा. ठीक है, बट अगर आप बात करें, मैंने आपको नियॉन के लिए छोड़ने के लिए बताया था, नियॉन के साथ में थोड़ा सा नियॉन नहीं, ऑल द नोबल गैसेस या फिर जीरो ग्रुप के जितने की वो एलिमेंट्स हैं, और वी कैन से 18 ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंस में आएंगे. बिकॉज यहाँ पे साइज डिक्रीज होता चला जा रहा है, नियॉन में क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा. ठीक, ये क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ. नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, ड्यू टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. एज यू ऑल नो कि जो नोबल गैसेस हैं देयर शेल्स आर कंप्लीटेड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, रिपल्सन, आप जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, या कॉन्ट्रैक्शन एज कम्पेयर टू कम होगा, नहीं होना तो ही है, लेकिन उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से वो साइज का बड़ा. समझ में आया ना, ये तो बात थी पीरियड की. अच्छा, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब इन अ ग्रुप, जैसे आपने पीरियड मूवमेंट किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन यू आर मूविंग यू आर वॉचिंग द एटॉमिक साइज इज स्टार्टेड डिक्रीजिंग. आप जैसे ही जैसे आप अगर आप ग्रुप की बात करो, इन अ ग्रुप है ना,
ये तो पीरियड की बात थी, मेरी और मूविंग टू लेफ्ट टू राइट, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो फ्रॉम अप टू डाउन, दैट टाइम यू विल ऑब्जर्व एटॉमिक साइज जो है दैट विल इंक्रीज. एटॉमिक साइज क्या होगा, यहां बढ़ जाएगा. कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज आप जानते हो कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड है. तो ये नई पीरियड मतलब होता क्या है, न्यू पीरियड मीन्स न्यू वैलेंस शेल. एज वेल द नंबर ऑफ जो शेल्स हैं बढ़ती चली जाएंगी तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता रहेगा, कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा. एज न्यू सेल, न्यू शेल इज इंक्रीजिंग तो उसका साइज भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, सो एटॉमिक साइज में अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ें तो टू थिंग्स आर देयर, अगर व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग कंडीशन. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, दे विल गिव यू सम एलिमेंट्स एंड दे विल आस्क कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और यू कैन से दैट कि इस तरीके के फॉर्म में आपको लिखने के लिए आ सकता है. करेक्ट, अच्छा. Now the thing comes कि cation या anion जो है उनमें क्या changes आता है. Suppose there sodium का electron यहाँ था, sodium is here and sodium ion Na plus positive, इनके बीच में जो atomic radiuses का है वो difference क्या आएगा, what changes you will observe when sodium is present, मतलब जो सा gases में gases system है, and the one cation is present. Cation always smaller than the parent atom. Cations are always smaller than the parent atom. यहाँ जो अगर sodium plus है वो sodium से हमेशा छोटा आएगा. ठीक है, अभी now the thing is coming is, sir एक बार बताइए, आपने कहा कि when you are moving from left to right that means the number of जो है आपके जो electron बढ़ते proton electron बढ़ते चले जा रहे हैं ना, उस कंडीशन में व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि सर 281 था, दैट मींस 281 वाला 282 वाला जो होगा इन द कंपैरिजन दैट साइज 282 विल बी द लेस, 282 कम होगा इस कंपैरिजन में, है ना, होना चाहिए. व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो साइज ऑफ द 282 विल बी लेस देन 281, बट हियर मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि 28 जो होगा इसका साइज वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन सोडियम आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 28 तो यहां पे इसके छोटा कैसे, बिकॉज व्हेन सोडियम इज कन्वर्टिंग इनटू सोडियम आयन यहां पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, प्रोटॉन नहीं, दिस एलिमेंट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो मतलब कि प्रोटॉन तो उतना ही है ना, तो प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस पुल है न्यूक्लियस की तरफ होगा, दैट मींस न्यूक्लियस विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज होगा आयन का छोटा होगा. एनायन में आप कहिए इसके कंपैरिजन में वाइस वर्सा भी आ जाइए, एनायन की इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनायन, क्लोरीन एंड क्लोरीन आयन के कंपैरिजन में अगर हमने कंपैरिजन किया, व्हेन दिस क्लोरीन विल बी कंपेयर्ड विद क्लोरीन आयन इन द रिस्पेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज, the size of chlorine ion will be more than the chlorine because here the number of electron increases, jab number of electron badh gaya proton utni hai to electron will try to kya karega wo unki unche electrons ke beech mein kya hoga repulsion hoga aur repulsion hoga to unka size badhega. ठीक है ना, तो this condition में अगर आप cation और anion की बात करो तो cation will always be smaller than the parent atom and anion will always be the greater in the size. ठीक है, understood? Now, second thing, metallic character. We will talk about metallic character. This is the atomic size. Now we'll be moving to the periodic properties of element. Next property is metallic character. What observation you will observe when you are moving in a period or a group? ठीक है, जब आप मेटेलिक कैरेक्टर की बात करो, सेकेंड प्रॉपर्टीज मेटेलिक कैरेक्टर. सो
सो मेटेलिक कैरेक्टर, बेसिकली मेटल्स का जो कॉन्सेप्ट है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू आर मूविंग इन अ पीरियड, ठीक है, तो इट विल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद रखिएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। इसको समझना है तो आपको अगर एक बार पीरियड टेबल को ध्यान में रखिए, फर्स्ट ए ग्रुप इज बिलोंग्स टू मेटल्स, सेकंड अर्थ मेटल्स, फ्रॉम थर्ड टू ट्वेल्थ मेटलाइट्स एंड देन नॉन मेटल एंड देन नोबल गैसेस। या हो क्या रहा है, मेटल अर्थ मेटल मेटलाइट्स, मतलब मेटल इज लूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज और वो नॉन मेटल्स में कन्वर्ट होकर उसके बाद नोबल गैस में रहो, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीजिंग, ठीक, करेक्ट। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, ठीक। सेम वे अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, वेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इट विल, वेन यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम इट विल डिक्रीज, करेक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, ठीक है। सो मैं अभी इसके बाद भी सम प्रॉपर्टीज आर देयर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू।